हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने आधा केजी के करीब लौकी लिया है। लौकी को क्या करेंगे कि पहले हम लौकी का ये छिलका उतार लेंगे। इसको पहले हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसे ही हम सारे लौकी को छील लेंगे। इसको अच्छे से हम छील लिए हैं, तो ऐसे सारे लौकी को हम छील लेते हैं पहले। तो इसमें का जो बीज है, इस बीज को हम निकाल लेंगे, इसलिए कि बहुत मतलब मोटा मोटा बीज है, तो इसको हम निकाल लेंगे। बीज से हमारा सब्जी अच्छा नहीं बनेगा। इसको हम पानी में डाल लेते हैं। तो हम लौकी को छील के अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे ग्रेटर से। तो एक हम थाली ले लेंगे, इसमें हम कद्दूकस से करेंगे ग्रेटर से। तो ले लेंगे एक लौकी का पीस। तो हम मोटे वाले से ही करेंगे। आप लोग चाहे तो बारीक वाले से कर सकते हैं, लेकिन हम मोटे वाले से करेंगे ग्रेट। तो सारे लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें लौकी बहुत पानी छोड़ता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पानी हम निचोड़ लेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। देख सकते हैं कितना पानी इसमें से निकल रहा है। रखते जाएंगे। सारे लौकी को हमने पानी से निकाल लिया है। ये लौकी का पानी इतना बचा हुआ है, इसको हम साइड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लौकी में यहाँ पे हमने लिया है बेसन, तो इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन को ले लेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ले लेंगे, थोड़ा सा नमक ले लेंगे करीब। यहाँ पे हमने जीरा पाउडर लिया है, इसको भी ले। रेड चिली लिए हैं, इसको भी ले लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ले लेंगे। यहाँ पे अजवाइन मंगरे लिया है, इसको भी हम क्रश करके ऐसे इसमें डाल देते हैं। एक लहसुन लिया है, इसको इसमें हम ग्रेट कर देंगे लहसुन को। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं पहले। तो लौकी में बहुत सारा पानी छोड़ता है, तो आप लोग जितना चाहें उतना बेसन ले सकते हैं। तो हमको मतलब थोड़ा सा गीला लग रहा है ज़्यादा, तो इसमें हम थोड़ा सा और 1 से 2 चम्मच बेसन को ले लेंगे। हम सारे चीज़ डाल दिए थे, इसमें एक हरी मिर्च भूल गए थे, तो इसको हम क्या करेंगे, बारीक काट के हरी मिर्च को भी डाल देते हैं इसमें। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल को अच्छा हम हीट आने होने देते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से हीट हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो ये ऊपर आ गया है। तो इसको हम इसमें एक एक करके हम लौकी का पकौड़ा बना लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये बहुत गीला होता है लौकी, तो इसको हम आराम आराम से ऐसे डालेंगे। इसको हम एक एक करके पहले पलट लेते हैं। देखिए, एक बगल से अच्छे से सीख चुका है, इसको हम पलट लेंगे एक एक करके सारे पकौड़े को। इसको हम
हाई टू मीडियम आंच पे ही पकाएंगे, ज़्यादा तेज आंच रखेंगे तो बाहर से जल जाएंगे, अंदर से हमारे लौकी के पकौड़े कच्चा रह सकता है, तो इसको हम मीडियम आंच पे ही इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये लौकी का पकौड़ा हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई के किनारे पे ऐसे करके हम सारे पकौड़े निकालेंगे, इसे सारा तेल, एक्स्ट्रा तेल जो रहेगा वो निकल जाएगा। ऐसे ही हम जो बचा हुआ है वो भी हम इसी में ऐसे डाल लेंगे। दो प्याज ले लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, लहसुन है, दो हरी मिर्च है। तो इसको हम पहले टमाटर को, आप लोग चाहें तो इसका प्यूरी बना सकते हैं ग्राइंडर में, हम इसको इसी से ग्रेट कर लेंगे। तो प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है, इसको अब हम काट लेंगे। इसको भी हम अब निकाल लेते हैं। ये जो बचा हुआ तेल है इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में। हमने 2 चम्मच के करीब तेल छोड़ा है, तो अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता को डाल देंगे, 1/2 इंच करीब दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची काली वाली और 1 छोटी वाली इलायची, 1 चम्मच के करीब खड़ा जीरा हम ले लेंगे, इसमें 1/2 इंच के करीब हींग ले लेंगे इसमें हम। अब जो हमने ग्रेट किया था इसको हम हल्का भून लिए हैं, तो प्याज जो ग्रेट की थी इसको हम डाल देंगे प्याज को। इधर हमने चावल भी ले लिया है, चावल और रोटी के साथ हम लोग खाने वाले हैं, तो चावल भी बैठा दिए इस बगल। एक मच्छी कर लेते हैं टमाटर प्याज। अब क्या करेंगे, टमाटर प्याज हल्का सा भून चुका है, तो इसे हम मसाला ऐड कर, इसमें हम मिक्स मसाला लिए हैं, तो मिक्स मसाला हम ऐड कर देंगे। इसमें धनिया जीरा है, थोड़ा सा और मसाला हम मिला देते हैं। इसमें कलर के लिए हमने कश्मीरी रेड चिली है, इसको ले लेंगे 1/2 चम्मच, रेड चिली ले लेंगे 1 पिंच, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर भी इसी के साथ हम डाल लेते हैं, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें हम, थोड़ा सा पानी को डाल लेते हैं, मसाला नीचे जले ना। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक तेल साइड साइड छोड़ ना दे। इसमें हम लहसुन भूल गए थे, ऊपर से हम लहसुन को भी छिड़क देते हैं, ढक देंगे, काला से थोड़े थोड़े फर्क पड़ेगा। इसमें हमने जो लौकी का पानी लिया था इसको भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, आप लोग चाहें तो इसको आटे को भी गूंथ सकते हैं लौकी। 2-3 मिनट के और पका लेंगे इसको। ग्रेवी गाढ़ी हो तो इसमें हम 1 चम्मच बेसन भी डाल देते हैं, इसमें हम भून लेंगे बेसन को भी, पानी डाल देंगे, कर लेते हैं इसको 2-3 मिनट के लिए, ढक देंगे इसको। तो 2-3 मिनट हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। कम से कम 2 गिलास के करें, आप लोग जितना गाढ़ा पसंद करेंगे ग्रेवी उसके हिसाब से आप पानी रख सकते हैं, हम इतने पे ही रहने देंगे। यहाँ पे हमने कसूरी मेथी लिया है 1 चम्मच, इसको हम क्रश कर देंगे, इसमें ऊपर से हम डाल देते हैं। तो ग्रेवी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ग्रेवी हमारा अच्छे से पक चुका है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो पकौड़े हमने तले थे इसको डाल देंगे। I've been loving, but not been feeling anything.
तो सारे पकौड़े को हमने डाल लिया है। इसको हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इसके करीब यहाँ गरम मसाला लिए है तो थोड़ा सा ऊपर से हम डाल देते हैं। दो तीन मिनट के लिए पका लेते हैं इसको। तो एक बार चेक कर लेते हैं तो देखिए हमारा लौकी का पकौड़ा कितना अच्छा, लौकी का सब्जी बन के कोफ्ता हो गया रेडी। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो अब सर्व करके आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ा ठंडा होने देते हैं सब्जी को। तो सब्जी हमारा ठंडा हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने पूरा ड्राई ड्राई बनाया था। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लौकी का हमारा कोफ्ता बन के हो गया है रेडी। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग क्या चीज़ से खाना पसंद करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। हम चावल और रोटी के साथ खाएंगे। यहाँ पे हमने सलाद लिया है। तो वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।